आलू गोश्त का सालन तैयार किया है। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है, और अच्छी लगी तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अबू बकर की बहुत सारी शरारतें हैं इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो चलिए तैयारी करते हैं जी। तो हल्दी भी डाल दी है, तो इसको हम बंद कर देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट। जब वेट चलना शुरू होगा तो 10 मिनट के बाद जो है ना, तकरीबन 3 मिनट में तो वेट जो है वो चलना शुरू होता है। उसके बाद 10 मिनट में इसको हम चलाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कुकर का ढक्कन है ना, वो मैं बंद कर देती हूँ। देखिए जी, अबू बकर किचन में साइकिल लेके आए हुए हैं किचन में मेरे साथ साथ, और गोश्त जो है ना वो गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसको एक छोटी देची में शिफ्ट कर दिया क्योंकि कुकर मुझे किसी और काम के लिए चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डाल रही हूँ इसमें दही। तकरीबन 100 ग्राम दही जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ और भुनाई करूँगी। ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है, आप चाहें तो घी डालें, ऑयल डालें, जितना दिल करता है उतना डालें। अच्छा जी, यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ये मैंने भून के रखा हुआ है और उसको पिसा है 1/4 का चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया। और जी जी छोटा सा चम्मच इसके साथ ही मैं डालूंगी ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने भून के और फिर पीसा हुआ है। और साथ साथ हमारी भुनाई जो है ना वो जारी रहेगी, और 1 से 2 मिनट में इसको भून लूँ। लेकिन मैं साथ ही पहले डाल रही हूँ आलू भी, जो कि मैंने धो के छीले हैं पहले, फिर उसको धोया है और पानी में डाल के रखा हुआ था ताकि इनकी रंगत जो है वो ख़राब ना हो जाए। सब जानते हैं कि आलूओं की रंगत जो है ना छीलने के बाद, काटने के बाद जो है ना वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो अच्छा है, भुनाई के साथ साथ आलू भी थोड़े से भुन भी जाएंगे, गल भी जाएंगे। शॉर्ट है रेसिपी, टाइम शॉर्ट है क्योंकि स्कूल जाना है बच्चों ने, आते सेकंड शिफ्ट में जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पकाना पड़ता है। और अबू बकर जो है ना वो मुसलसल तंग कर रहे हैं, मुसलसल तंग करते हैं, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देते। और बस काउंटिंग सुने, अबू बकर काउंटिंग सुनाए बेटा। वाओ, फिर सुनाओ। पूरी सुनाओ ना, पूरी आराम से सुनाओ, आवाज नहीं आ रही। नौ, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14। वाओ जबरदस्त। तो देखें, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा के ना इसको मैं भूनती जाऊंगी। सब लोगों से इल्तमास है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा। आप लोगों से गुजारिश है कि वॉच टाइम पूरा करने में मेरी मदद करें, वीडियो को एंड तक देखें, शेयर भी करें, कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। वीडियो को लाइक का बटन दबाना ना भूला करें, अच्छा लगता है। और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 4 से 5 मिनट इसको भुनाई करते रहेंगे हम। तो अच्छी तरह भुनने के बाद ना मैंने उसमें मुनासिब साइज़ मुनासिब पानी लगा दिया है, जितना भी ग्रेवी चाहिए हो। आलू भी गलने हैं इसी में, तो मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है और इसको लो फ्लेम पर रख के हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि हमारे आलू भी गल जाएँ और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए वो उतनी ग्रेवी भी हमें मिल जाए। तो चलिए अबू बकर की साइकिल को जो है ना वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि अबू बकर कह रहे हैं क्या करना है। अबू बकर, क्या लेना है? नमक लेना है। नमक क्यों खाते हो अबू बकर? बहुत नमक खाते हैं जी, क्यों नमक खाते हो अबू बकर? दांतों में दर्द। अच्छा, दांत खाते हो जी कहते हैं ऐसे चाट के खाते हो नमक? उफ अल्लाह, नमक नहीं खाते इतना ज्यादा। पेट में ले जाते हो? अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भाई किधर गए हैं? भाई दादी के घर। नहीं, दादी के घर तो नहीं गए, स्कूल गए हैं। नहीं,
जी अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा रेडी हो गया। 10 मिनट के बाद आलू जो है ना वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इनकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि आलू बहुत अच्छे गल चुके हैं, ये देखें। ठीक है, और बस फिर वीडियो भी ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि बातें भी हो गई हैं। तो अबू बकर के लिए भी आपकी अबू बकर ने भी जो कुछ किया वीडियो में वो आपने देखा। तो ये है हमारा आलू गोश्त का सालन, और अबू बकर की बातें भी आपने सुन ली, मेरे साथ भी हो गई बातें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वॉच टाइम पूरा करने के लिए, और इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़।